morning students. Okay, in today's lecture we will discuss canonical equations in circular motion. देखिए canonical equations with uniform acceleration, आपको linear motion या translational motion में पता है. देखिए जैसे in linear motion या फिर translational motion. Okay. सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली एट ए पोजिशन मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू. ओके एंड इफ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट बाय अप्लाइंग फोर्स तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए होता है एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. लेट एट बी पोजिशन फाइनल वेलोसिटी इज वी. लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू द डिस्प्लेसमेंट यस इन टाइम टी. तो इससे रिलेटेड काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन कौन से देखे. नंबर वन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही देखने वाले हैं. ओके तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी. सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. राइट. और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है. वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए यस. दिस आर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. ओके अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. अगर कहीं पर रिटार्डेशन होता है मतलब ए पोजीशन पर ब्रेक अप्लाई कर दिया हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ए पोजीशन पर ब्रेक अप्लाई कर दिया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो वहां पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी. सो इफ वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. तब यहाँ पर ए के जगह पर माइनस ए लेना है फॉर रिटार्डेशन के लिए. ओके तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम काइनेमेटिक इक्वेशंस लिख रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद और एक फॉर्मूला देखिए. डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यंथ सेकंड है ना. डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन यंथ सेकंड. उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है. एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट टू एम माइनस वन. सो दीज आर काइनेटिकल इक्वेशंस रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन. क्लियर. यहाँ ये आपको ऑलरेडी पता है. नाउ इन सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में काइनेटिकल इक्वेशंस हमें लिखने हैं. देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है. ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ओके सपोज यहाँ पर इसका सेंटर है O. A इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके इट इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सपोज A इज इनिशियल पोजिशन. यहाँ पर एंगुलर स्पीड है इसकी ओमेगा वन. लेट इन टाइम t इट मूव्स फ्रॉम A टू B पोजिशन. ओके और B पोजीशन पर एंगुलर स्पीड है यहाँ पर ओमेगा टू. इस तरह से देखिए रेडियस वेक्टर होता है. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A टू B अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर जो होता है दैट डिस्क्राइब्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थीटा होगा. जैसे पार्टिकल यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है स्टूडेंट तो वहाँ पर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 360 डिग्री. That is 2 pi radian. समझ में आ गया आपको. देखिए at A let the initial angular speed of the particle performing circular motion is omega 1. Okay, in time t let it describe the angular displacement theta. B position पर final angular speed क्या होगी. Let it is omega 2. तो यहाँ पर acceleration होगा that is angular acceleration and it is denoted by alpha. तो चलिए इनिशियल स्पीड एंगुलर स्पीड फाइनल एंगुलर स्पीड एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके
यही यहाँ पर जो कैनोनिकल इक्वेशन है वो हम सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई करते हैं। ओके तो देखिए फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन क्या होगा, वी का मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल लीनियर वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके तो एंगुलर स्पीड क्या होगी यहाँ पर, ओमेगा टू इज इक्वल टू, यू का मतलब इनिशियल लीनियर स्पीड, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड एट पोजिशन ए क्या होगी, ओमेगा वन प्लस ए टी, ए का मतलब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा ए टू टाइम टी। सो दिस इज फर्स्ट काइनेटिकल इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी। सिमिलरली सेकंड हम लिख सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ए टू बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यस है ना, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा इज इक्वल यू टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा वन इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ, अब ए लीनियर एक्सेलरेशन इट इज रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर अल्फा टी स्क्वायर होगा। सो दिस इज सेकंड काइनेटिकल इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। थर्ड देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी का मतलब फाइनल लीनियर स्पीड, तो यहाँ पर फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा टू, तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा टू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो ये फॉर्मूला होगा ओमेगा टू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। समझ में आ रहा है आपको, दिस इज रिसेम्ब्लेंस। तो काइनेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन, अब यही इक्वेशंस हम रोटेशनल मोशन में भी यूज करने वाले हैं। ओके तो रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन दीज इक्वेशंस आर सिमिलर टू द काइनेटिकल इक्वेशंस इन लीनियर मोशन, तो सिंबल्स और उनका मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको। देखिए नंबर फोर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल पार्टिकल इन यंत सेकंड, इसके लिए भी यहां पर इक्वेशन हम लिख सकते हैं। देखिए यस यंत मतलब यहां पर थीटा एन लिखेंगे, यंत सेकंड में पार्टिकल में यहां पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए यही फॉर्मूला यहां पर रिसेम्बलेंस होगा। तो यू मतलब इनिशियल स्पीड, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा वन प्लस हाफ एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, ये इक्वेशन होगा स्टूडेंट। ओके है ना, सिमिलर इक्वेशंस है ना। और एक यहाँ पर हमें निकालना है, देखिए अगर पार्टिकल की पोजीशन इनिशियल पोजीशन ए है, तो ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया ना, एक रिवॉल्यूशन, तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हो गया उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन इज 360 मतलब 2 पाई। अगर पार्टिकल 2 पाई रेडियन इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। सपोज पार्टिकल ने देखिए 2 पाई 2 पाई, तो कितने रिवॉल्यूशंस हो गए, 2 रिवॉल्यूशंस हो गए ना, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 पाई, तो 4 पाई अपॉन 2 पाई, तो कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ओके सपोज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिनोटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का मीनिंग क्लियर है ना आपको। देखिए इनिशियल पोजीशन ए, अब ये एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट, 2 पाई हो रहा है ना। अगर सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 2 पाई प्लस 2 पाई कितना होगा, 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई अपॉन 2 पाई अगर लेते हैं, तो वहां पर क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस।
देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन दैट इज 2π, तो ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 10π कितना है, 10π, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10π, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, तो थीटा कितना है यहाँ पर 10π, 10π अपॉन 2π कितना होगा 5, सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आर 5, है। देखिए 5 टाइम्स 2π प्लस 2π प्लस 2π प्लस 2π प्लस 2π, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10π, राइट, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं यहाँ पर 5, तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले का प्रूफ अगर देखना है हमें तो इसका प्रूफ देखते हैं, हमें पता है देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2π n होता है ना, एंगुलर स्पीड इज इक्वल 2π n, या फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, क्या होता है n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, बराबर n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है और यहाँ पर स्मॉल n स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, तो मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन होते हैं, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेटेड बाय कैपिटल एन टाइम स्मॉल टी, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हम कैपिटल एन से डिनोट कर दे और टाइम टी से, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, और ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम दैट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। जैसे देखिए लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड। तो चलिए यहाँ पर n और ओमेगा के ये जो फॉर्मूलेज हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो ये यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, तो n के जगह पर क्या लिखना है n बाय t, तो ये n बाय t हो जाता है इज इक्वल टू, ओमेगा के लिए क्या लिखना है थीटा बाय t, थीटा बाय t लिखा हमने और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2π है। ओके, तो ये टी टी गेट कैंसल, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर थीटा डिवाइडेड बाय 2π, तो ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूव होता है इस तरह से। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 2π मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन दैट इज 2π। तो आपको ये समझ में आ रहा है काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन, ओके, सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर टू द काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन लीनियर मोशन, सिर्फ सिंबल से आपको चेंज हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट। तो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज मतलब आर 20 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इन टू मीटर दैट इज 20 × 10⁻², और 2 × 10⁻¹ मीटर, सेंटीमीटर है ना इसलिए हमने मीटर में कन्वर्जन किया। एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब ओमेगा वन, इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा वन, फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा टू, तो ओमेगा वन की वैल्यू यहाँ पर दी है 2 रेडियन पर सेकंड। ओके फाइंड नंबर वन एंगुलर स्पीड आफ्टर 0.5 सेकंड, मतलब यहाँ पर ओमेगा टू फाइंड आउट करना है हमें। ओके, और उसके लिए टाइम कितना दिया है 0.5 सेकंड। नो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 0.5 सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालें, और वहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.5 सेकंड। तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया है 0.5 सेकंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻¹ सेकंड। और बाद में निकालें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन है ना, कौन सा रिलेशन है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इसे हम निकाल सकते हैं बिकॉज आर भी पता है और अल्फा भी पता है। चलिए एक एक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये यहाँ तक गिवन डाटा हो गया। नंबर वन, एंगुलर स्पीड आफ्टर 0.5 सेकंड। ओके, तो ओमेगा टू की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए अल्फा पता है, टी पता है और इनिशियल स्पीड भी पता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा कैनोनिकल इक्वेशन यूज करना होगा हमें? यस, देखिए ओमेगा टू की वैल्यू निकालनी है और गिवन है अल्फा, ओमेगा वन और टी, मतलब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना, इजी है। ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी। तो इसमें पहले जरूरत है, ओमेगा वन की वैल्यू है 2 प्लस अल्फा कितना है 4। ओके, इन टू यहाँ पर टी की वैल्यू 0.5। तो ओमेगा टू इज इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है यहाँ पर लिखते हैं 2 प्लस 4 × 0.5। 4 × 0.5 कितना होगा? यस, 4 × 5 = 20 और पॉइंट है ना यहाँ पर, तो 2.0 मतलब 2। तो ओमेगा टू कितना होगा? 4 rads/s। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई इसमें। एंगुलर स्पीड आफ्टर 0.5 सेकंड कितनी होगी? 4 rads/s। सेकंड कैलकुलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 0.5 सेकंड। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें। ओके, और हमारे पास ओमेगा टू पता है, ओमेगा वन पता है, ओके टाइम भी पता है और अल्फा भी पता है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, बिकॉज यहाँ पर ओमेगा टू, ओमेगा वन, टू अल्फा तीनों की वैल्यू पता है ना, और ओमेगा वन टी अल्फा तीनों की वैल्यू पता है। तो कौन सा इक्वेशन लेना है? दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, ओमेगा वन कितना है यहाँ पर? 2 इंटू टाइम 0.5 प्लस हाफ अल्फा, अब अल्फा कितना है? 4। ओके, इंटू टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 0.5 या फिर 5 × 10⁻¹ भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 5 × 10⁻¹ इसका स्क्वायर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2 × 0.5 कितना होगा? यस, 1.0, बिकॉज 2 × 5 = 10 और यहाँ पर पॉइंट होने के कारण 1.0 दैट इज 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 × 4, तो 2 × 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻¹ है, उसका स्क्वायर क्या होगा? 10⁻²। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। 1 प्लस 2 × 25 दैट इज 50। ओके, × 10⁻²। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए 1 प्लस 10⁻², ना तो 0 के बाद जो डेसिमल पॉइंट होगा वो दो डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, 1, 2, तो ये होगा 0.5। ओके, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1.5 और इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड यूनिट रेडियन पर सेकंड, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा, दिस इज रेडियन। ओके, ये यहाँ पर आंसर आता है। नेक्स्ट आप थर्ड कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड क्या कैलकुलेशन है यहाँ पर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके अल्फा इज इक्वल टू, नहीं क्या लिखें, ए निकालना ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये फॉर्मूला है। जैसे यस इज इक्वल टू आर थीटा,
लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वैसे यहाँ पर ही ट्रांजिशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मीटर में ले रही है, 20 सेंटीमीटर, मतलब मीटर कितना होगा 2 इंटू 10 डेज टू माइनस 1। ओके अल्फा की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 डेज टू माइनस 1 या फिर 0.8 भी लिख सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इज द यूनिट ऑफ टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए सेम न्यूमेरिकल्स होते हैं टू द काइनेमेटिकल इक्वेशंस दैट ऑफ लीनियर मोशन, तो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सिंबल्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल, अ पुली 1 मीटर इन डायमीटर ओके रोटेटिंग एट 600 आरपीएम इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 80 सेकंड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट्स शाफ्ट, हाउ मेनी रोटेशंस डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है देखिए कि एक पुली है यहाँ पर ओके इस तरह से और इट इज रोटेटिंग ओके, तो इसका डायमीटर यहाँ पर दिया है देखिए, तो डायमीटर कितना है यहाँ पर 1 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी फिर हाफ मीटर होगी दैट इज 0.5 मीटर। ओके यहाँ पर इसका सेंटर, दिस पुली इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग रोटेटिंग और उसकी स्पीड भी दी है कितने 600 आरपीएम, मतलब फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम। हम यूज करते हैं आरपीएस हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्स, दैट इज आरपीएस रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस पर सेकंड। तो इसको कंप्लीट करना है हमें, मतलब कन्वर्ट करना है आरपीएस में, तो एन इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 10 RPS, 10 RPS होगा। ओके ब्रॉट टू रेस्ट मतलब यहां पर पुली दैट रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 600 RPM दैट इज 10 RPS। ओके ब्रॉट टू रेस्ट मतलब ये पुली स्टॉप हो जाएगी, तो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर जीरो होगी, तो n इसको मान लेते हैं n1, तो n2 कितना होगा जीरो होगा। ओके और इसके लिए टाइम कितना लगता है इन 80 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 80 सेकंड। ओके हाउ मेनी रोटेशंस डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, देखिए यहां पर 600 आरपीएम मतलब 10 आरपीएस, 1 सेकंड में कितने रोटेशंस हो रहे 10, मतलब इतनी स्पीड है। ओके और 80 सेकंड के अंदर ये पूरी स्टॉप हो जाती है, मतलब अब जीरो रोटेशंस हो रहे हैं, n2 इज इक्वल टू जीरो। तो 80 सेकंड के अंदर जो पुली यहाँ पर 600 आरपीएम या 10 आरपीएस रोटेशन कर रहा था यहाँ पर, तो जीरो रोटेशन होने तक उसने कितने रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस कंप्लीट किए होंगे ये निकालना है, हाउ मेनी रोटेशंस डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके तो नंबर ऑफ रोटेशंस या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या फिर नंबर ऑफ रोटेशंस दोनों का मीनिंग एक ही है, रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस। ओके तो नंबर ऑफ रोटेशंस यहां पर निकालने मतलब कैपिटल एन की वैल्यू निकालने, तो एन के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये फॉर्मूला ना यही फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए। अब थीटा नहीं दिया है यहां पर ओके, उसके जगह पर कौन कौन सी वैल्यू दी है, रेडियस मतलब डायमीटर ऑफ पुली दिया है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1, फाइनल फ्रीक्वेंसी n2 ये दिए और टाइम ड्यूरेशन बस इतना ही दिया है। थीटा कैसे निकालना है पहले पहले हमें थीटा निकालना होगा बिकॉज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशन के लिए ये फॉर्मूला है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, मतलब 80 सेकंड देखिए इनिशियली उसकी स्पीड कितनी 600 आरपीएम मतलब 10 आरपीएस, तो बाद में जीरो होने वाले, तो इसके लिए कितना ड्यूरेशन लगता है 80 सेकंड्स में इसने कितने नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म किए होंगे ये निकालना है, तो हमें 80 सेकंड्स के अंदर पुली ने कितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये पहले निकालना होगा, मतलब थीटा।
ओके तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां पर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए थीटा निकालना है, ओमेगा वन, तो ओमेगा के लिए ये फॉर्मूला है ना, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन, तो हम ओमेगा वन के लिए क्या लिख सकते हैं, टू पाई एन वन लिख सकते हैं। उसके बाद हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी पता है 80 सेकंड, ओके अल्फा नहीं पता है, तो अल्फा का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। चलिए कुछ यहाँ पर तो पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओके। तो हमें ओमेगा वन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ओमेगा वन के लिए हम लिख सकते हैं टू पाई एन वन, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन, तो ओमेगा वन इज इक्वल टू टू पाई एन वन, एन वन पता है हमें 10 आरपीएस, ओके। अब अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, मतलब डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर स्पीड, तो उसको हम ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय टी, इस तरह से लिख सकते हैं ना, यस। तो फिर अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास ओमेगा वन ओमेगा टू नहीं, लेकिन एन वन एन टू है, तो ओमेगा टू को हम टू पाई एन टू माइनस टू पाई एन वन डिवाइडेड बाय टी, तो अल्फा इज इक्वल टू टू पाई कॉमन निकाल सकते हैं इन ब्रैकेट एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय टी। चलिए ओमेगा वन के लिए इक्वेशन टू पाई एन, जिसमें एन वन की वैल्यू पता है, अल्फा के लिए टू पाई इन ब्रैकेट एन टू माइनस एन वन अपॉन टी, यहाँ पर टी एन वन एन टू पता है हमें, तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते देखें, तो थीटा निकलेगा, फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन के लिए टू पाई एन वन टी प्लस हाफ, अब अल्फा के लिए ये वैल्यू रखेंगे, देखिए टू पाई इन ब्रैकेट एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय टी, ओके, और ये टी स्क्वेयर इस तरह से, तो ये टी यहाँ पर स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो सकता है ना, तो थीटा इज इक्वल टू टू पाई, देखिए नंबर ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन टू पाई, तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में टू पाई है, डिनोमिनेटर में क्या है टू पाई, तो इस इक्वेशन में पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, अगर न्यूमिनेटर में टू पाई आ जाता है तो पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, इसलिए पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। तो अब एन वन की वैल्यू कितनी है, 10 आरपीएस में रखनी है, आरपीएम दिया है तो उसको कन्वर्ट किया हमने आरपीएस में इंटू 10, ओके। अब टी कितना है 18, ओके फर्स्ट टर्म, ओके प्लस अब सेकंड टर्म, तो यहाँ पर देखिए ये टू टू हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो पाई इन ब्रैकेट, तो एन टू कितना है यहाँ पर 0 है, माइनस एन वन यहाँ पर कितना है 10 डिवाइडेड बाय नहीं टी, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, इन टू एटी टी इज इक्वल टू 80 सेकंड, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 80 इंटू 10 800 इंटू 2 1600 1600 पाई। अब यहाँ पर माइनस होगा, 0 माइनस 10 मतलब माइनस 10, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 80 कितना होगा 800 पाई, ओके। तो थीटा के लिए वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1600 पाई माइनस 800 पाई, तो 800 पाई इसका डिफरेंस आएगा, क्लियर। इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, और पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी यहाँ पर, बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाते हैं, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। देयरफॉर देखिए इन 80 सेकंड पूरे ने कितने नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट किए होंगे, तो नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म बाय द पुली बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज एन इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 80 सेकंड के अंदर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 800 पाई होता है, तो 800 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो देखिए यहां पर पाई पाई कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड करते तो आएगा 400, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 400, मतलब जो पुली यहां पर 1 सेकंड में
रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस परफॉर्म कर रही थी तो 80 सेकंड के अंदर वो स्टॉप हो जाएगी। तो ड्यूरिंग 80 सेकंड उसने कितने रोटेशंस कंप्लीट किए होंगे? टोटल 400 रोटेशंस कंप्लीट किए होंगे। ओके क्लियर?